अच्छा इस साइड पे मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे सारे बंदे जो है ना फराटिए क्या कह रहे हैं कि ठग बैठे हुए हैं, 200 का एक प्रिंट निकाल के दे रहे हैं। तो भाई यार यूज योर माइंड, अगर आपके पास दिमाग है भाई अपना दिमाग यूज करो ताकि आपको भाई इन फराटियों से आप बच सको। ये दो छापे हैं जी, इन पे और इन पे, दोनों में पता करते हैं जिस पे मिल गई भाई। बैक वेंचर्स वालों ने अभी कहा है कि आज सुबह आज हमने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर होस्ट आकिब अली और आप देख रहे हैं PETV ऑफिशियल व्लॉग्स। वेलकम टू तड़पते भड़कते व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? और बाहर बहुत शोर हो रहा है भाई, वो कुछ हेल करने वाला आ गया है और शोर इतना कर रहा है। और जी आज हमारा प्लान है जी, कल का जब हम ड्यूटी पे गए आज हमने ड्यूटी छोड़ दी क्योंकि बहुत ही सैलरी कम दे रहे थे। और आज हमारा प्लान है जी जॉब सर्च करने का, शॉप बाई शॉप जाएंगे और मजीद इंशाल्लाह अभी निकलने लगे हैं। तो देखते रहिए हमारा व्लॉग मजीद इंजॉय करने के लिए। लो जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी पहुंचे हैं जी हम देवने से पीछे हैं, ठीक है, देवना मंडी से पीछे हैं। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जी, ये है जी जीटी रोड पर पहुँचे हैं और साथ ही इसके पेट्रोल पम्प है, यूनस पेट्रोलियम है। पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाने के बाद फिर साथ ही जी हमने लेना है जी अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था तो अभी पासपोर्ट लेने जा रहे हैं। पासपोर्ट लेकर फिर इंशाल्लाह गुजरात जाना है जी अम्मी जान की दवाई लेने के लिए, दूसरे डॉक्टर से चेक करवाना कि दूसरे हैंड का जो मसला है तो उसके लिए जाना है जी। तो चले अभी फिर, पीछे दोस्त मिल गया था मेरे को तो गप्पे छपे लगाते आए हैं, वो अपनी बाइक पे था नहीं मैं, वो कभी कभार आपने देखा होगा टेलर, ठीक है जी, वो बाइक पे था मैं भी अपनी बाइक पे था। गप्पे लगाते लगाते इधर का फोन किया, उसने जाना था भाई हमारे इलाके में लाइट नहीं है और देवने में लाइट है तो नहीं आया वो काज वगैरह करवाने, ठीक है। तो हम जाएंगे अभी पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाने के बाद फिर जाएंगे पासपोर्ट दफ्तर, ठीक है जी। तो चलें चलते हैं जी। लो जी गाइस पहुँच रहे हैं जी देवना मंडी, यूनस पेट्रोलियम पे पहुँचे हैं, पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाने के बाद फिर सीधा पासपोर्ट ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको याद हो तो वो पीछे हमारे जी मैरिज हाल कुछ दिन पहले शहरी की शादी पे जी हम इधर आए हुए थे, वो पीछे आप देख सकते हो उस साइड पे जी मैरिज हाल है, उधर आए हुए थे। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं पासपोर्ट ऑफिस। तो यू गाइस पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाए हैं हम और ये आप देख सकते हैं सामने। अच्छा गाइस मसला कुछ यूँ बना है, ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी और उसके लिए जो मेरे पास स्क्रीन शॉट है ना उसका कह रहे हैं प्रिंट निकाल के लाओ जी, प्रिंट के लिए गया हूँ तो वो कह रहे हैं भाई जान व्हाट्सएप पर 200 का प्रिंट निकलेगा। माशाल्लाह यही है भाई, अभी जाके साथ ही किसी और फोटोशॉप से निकलवाएं तो तकरीबन 10-20 रुपए का प्रिंट निकल आएगा आई थिंक सो। तो अभी कह लेंगे ये जनाब मोहतरम बहुत ज़्यादा इस साइड पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में यला मची हुई है भाई, तो अपने मर्जी के रेट है 200 का प्रिंट है भाई। माशाल्लाह ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं भाई, कोई तरह रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी से भाई ठोके जाओ बिला वजह ही, इसका स्क्रीन शॉट निकाल के लाओ जी, प्रिंट लेके आओ जी, अपने आईडी कार्ड का प्रिंट लेके आओ। होता कुछ यूँ है कि आपके पास जस्ट आपके पास ये प्रूफ है ना, आईडी है आपके पास, ठीक है, तो ऑनलाइन उन्हें मैं दिखा भी रहा हूँ ट्रैकर आईडी, ठीक है, कि ये ट्रैकर आईडी से एप्लीकेशन यानी कि सबमिटेड है। तो ये ऐसे बंदे को खज्जल हवार करने के बस बहाने होते हैं जो कि हमारे अदारे करते हैं। तो आप इधर से देख लें शॉप से निकलवाया मैंने, तकरीबन थोड़ा ही दूर है और ये प्रिंट सिर्फ चाहिए था, ये सिर्फ प्रिंट चाहिए था, तो अभी पड़ा मेरे को तकरीबन 20 रुपये का, ठीक है, उधर 200 रुपये थे, यानी कि देख सकते हैं 180 रुपये भाई जान आपने अजाफी देने हैं सिर्फ इस प्रिंट के लिए भाई, इतना खजल हुआरी। तो चलो चलते हैं जाके पासपोर्ट लेते हैं भाई, पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है और ये हम खड़े हैं जी इधर काउंटर पे, तो इंशाल्लाह होपफुली पासपोर्ट हमारा मिल जाएगा आज। नहीं फाइनल गाइस वी गॉट अवर पासपोर्ट, रीन्यू होने के बाद पासपोर्ट हमारा मिल चुका है। ऑनलाइन अप्लाई इज़ ईजी वे, ठीक हो गया जी, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं भाई किसी झंझट की ज़रूरत नहीं है, अपना पासपोर्ट पकड़ो इधर से आकर, जस्ट आपको ट्रैकर आईडी चाहिए, इसके अलावा भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
ना लाइन में लगने की जरूरत है। सो भाई अपने माइंड को इस्तेमाल करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? पासपोर्ट लेने आए हैं? अगर आप चाहते हो भाई ये झंझट, ये देखो लोग कितने जलील हो रहे हैं बंदे सारे, तो आपको चाहिए भाई ऑनलाइन अप्लाई करो। PETV चैनल है मेरा भाई। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। पढ़ते हो आप लोग? ये इंशाल्लाह आफ्टर वन डे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू लेडीज। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहना है तो आपने जलील होना है लाजमी। तो चले चलते हैं जी। अच्छा इस साइड पे मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे सारे बंदे जो है ना फ्राडिये क्या कह रहे हैं कि ठग बैठे हुए हैं। 200 का एक प्रिंट निकाल के दे रहे हैं और आपने खुद बचना है। अभी थोड़ी देर, थोड़ी दूर ही है तकरीबन, कह लो मंडी, मैं उधर से तकरीबन करवा के लाया हूँ और 20 रुपये का बना है। तो भाई यार यूज योर माइंड। अगर आपके पास दिमाग है भाई अपना दिमाग यूज़ करो ताकि आपको भाई इन फ्राडियों से आप बच सको। सो चलते हैं अभी जी गुजरात की तरफ। जी नाजरीन, अभी सर्विस मोड पे मौजूद है और ये माशाल्लाह ये ब्रेक कैच है जी ब्रांड। इस पे जाते हैं चिल्ड्रन कंप्लीट वैरायटी। ठीक है, इनके पास चिल्ड्रन की वैरायटी है तो लेट्स सी, जाके चेक करते हैं, पता करते हैं भाई अगर आपके पास कोई है तो बताओ यार। ठीक है, अच्छा पूरे हैं जी। चलें, बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे? ठीक ठाक। कोई वैकेंसी वगैरह होगी आपके पास? सेलमैन। अस्सलाम वालेकुम। लो जी गाइस, इधर भी कहते हैं कि पूरे हैं, आगे देखते हैं फिर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। रोजी उसने देनी है कोई ना कोई, तो सिलसिला तो बनाए रखा ही ना। ये दो छापे हैं जी, इन पे और इन पे, दोनों पे पता करते हैं जिस पे मिल गई भाई। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे? ले जी जनाब, अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें। अपॉर्चुनिटी ये क्या थी कि जनाब वो जो पीछे ना बैक बेंचर्स, वो आपको नज़र आ रहा है, वो बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स वालों ने अभी कहा है कि आज सुबह आज हमने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं कि 11:45 से लेकर जनाब रात 10 बजे तक। तो एजेंसी है जी ये सामने है जी, तो इधर आए हैं ले जाएँ, इधर भी बंदे पूरे हैं। हाँ जी गाइस, अभी पता किया है जी मैंने सिस्टर को फ़ोन करके, क्योंकि अम्मी जी भी हैं जी सिस्टर के घर, और उधर से फिर लेकर डॉक्टर के पास जाना है हमने अभी। तो 3 बजे का टाइम हुआ जाता है, 2:12 हो चुके हैं, दोपहर के 2:12 हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, कुछ हुआ यूँ है कि मैं ना दोबारा पता नहीं क्यों भूल गया, मैं समझ रहा हूँ कि पीछे छोड़ा हुआ है वो रास्ता जनाब आगे है। तो अभी कह लो कि कन्फ्यूज था थोड़ा, भाई से पूछा है कि भाई वो रास्ता किधर है, ठीक है? ठीक है, वो कह रहा है कि भाई थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस साइड पे होगा, तो चले इसी साइड पे जा रहे हैं। तो वो देख रहे हैं सामने गाड़ी, भाई हमारे अबू जी भी आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है भाई, बात के खुद आपने रहना है, अपनी ज़ात को अपना आपको खुद बचाना है, वरना इधर भाई ठोक के चले जाते हैं। हेलो जी, पहुँचा है जी असी रफे साहब के घर, और रफे ने देखो जी, ये रफे है जी, रफे दूध पी रहा है। हाय कैसे हो, हाय करो जरा गाइस को, हाय गाइस। मैंने ये केक खाया है, ठीक है? क्यों? अच्छा हाय गाइस को कर रहे हैं हाय। ये दूध पियो ना अपना, पूरा फिनिश करो, ये देखो जी हाफ पी के, ना 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 ओए पी ना, फिर चलते हैं। हैं ये गाइस, अगर आपको किसी को समझ आई है ना इस लैंग्वेज की तो बताएं। अच्छा भाई, ये शौकीन है बड़े गाड़ी के ना, ये कहता है मुझे भाई गाड़ी वो खड़ी है पीछे, कहते मैंने जाना है। भाई जनाब टाइम हुआ चाहता है हमारा वापसी जाने का, तो अम्मी की दवाई ले आए हैं, शामें हो गई हैं देख सकते हैं, मगरब का टाइम हो चुका है और निकलते हैं अभी अपने। ए देखियो जी, ए कस्टमर का काम देखियो, एथू चीज चुक के लै गया जी। अज मैं तो ना रस्ता बहाना, ए देखो जी ए कस्टमर की सहूलत वास्ते इन्होंने एक खपा जा रखा हुआ है,
और अली साहब की मेहरबानी है, ये सारी कस्टमर ने बड़ा इजीली ऐसे करके भाई उठा लिया।